हाँ तो देखिए, हमने अपर एंड की बात कर ली थी, पूरी की पूरी शाफ्ट की बात कर ली थी, और अब हम बात करेंगे आपसे लोअर एंड ऑफ हेड ऑफ लोअर एंड ऑफ स्टेना की। और लोअर एंड में क्या पढ़ना है, हेड एंड स्टेरॉइड प्रोसेस, एंड देन फिर लोअर एंड के बाद हमारा पूरा का पूरा वन पेज चार्ट कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन फिर इस चार्ट की एक एक लाइन को हम हमारी अल्ना बोन से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, कुछ रटने का नहीं है, अगर आपके पास बोन है तो आप ये चार्ट बना सकते हैं। ओके, तो आते हैं हमारे लोअर एंड ऑफ अल्ना पर। ओके, तो देखिए वही सबसे पहले लोअर एंड में मेरे पास, देखिए यहाँ पर जगह नहीं है, ये रहा हमारा, मेरे पास यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं लोअर एंड को दोबारा लिख रहा हूँ इधर। ओके, लेकिन आपको वन पेज में ही पूरा काम करना है। तो मैं आता हूँ लोअर एंड, लोअर एंड ऑफ अल्ना की, एंड वही लोअर एंड को हमें, लोअर एंड में दो चीज़ें होती है काम की अल्ना प्यास, अल्ला के पास दो चीज़ें काम की होती है। दो चीज़ें कौन सी, एक होगा हमारे पास हेड ऑफ लोअर एंड एंड स्टाइलोइड प्रोसेस। स्टाइलोइड प्रोसेस, ओके ये हो गया। सबसे पहले बात करते हैं हम हेड की। तो देखिए पहली बात तो यही कि हेड और स्टाइलोइड प्रोसेस, चलो पहले हेड की बात करते हैं हम। हेड में देखिए सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट होगा हमारे पास, दिस इज आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच। देखिए ये आपको पता होगा, मैंने बताया था, यहाँ पे देखिए, ये देखिए अल्ना का हेड किससे आर्टिकुलेट होता है, अल्नर नोच से। एंड रेडियस का हेड किससे आर्टिकुलेट होता है, रेडियस की नोच, रेडियल नोच से। ओके, एंड रेडियस हेड रेडियस के पास है, अल्ना हेड अल्ना के पास है, अल्नर नोच रेडियस के पास है, रेडियल नोच अल्ना के पास है। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, अभी हम बात कर रहे हैं अल्ना हेड की। तो अल्ना हेड किससे आर्टिकुलेट होगा, अल्नर नोच से, जो कि रेडियस के पास है। तो देखिए वही आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच, देखिए वही लिखा है, अल्ना हेड आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच। तो आर्टिक्यूलेट, आर टी सी यू एल ए टी ई, आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच। ओके, एंड अल्नर नोच कहाँ होती हैं, प्रेजेंट इन रेडियस। तो मैं यहाँ पर अल्नर नोच को रेड रेड लिख रहा कर रहा हूँ, एंड नीचे लिख रहा हूँ प्रेजेंट इन रेडियस। मैंने बोला था यहाँ पर आपको बताओ तो कि जिस नाम की ट्यूब्रोसिटी है वह उसी बोन के पास है, एंड जिस नाम की नोच है वह उस बोन के पास नहीं है। ओके, तो प्रेजेंट इन रेडियस, रेडियस के पास होती है अल्नर नोच, ये हो गया। एंड आर्टिकुलेट विद अल्नर नोच, एंड क्या बनाता है, अल्नर नोच के साथ आर्टिकुलेट होने के बाद ये बनाता है हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ फॉर्म, फॉर मतलब बनाना, इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट, क्योंकि रेडियस और अल्ना के हेड में जॉइंट बन गया ना नीचे की साइड। ओके, ये लोअर एंड ऑफ अल्ना की बात कर रहा हूँ मैं, फॉर इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, ये हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट आते हैं, रुको इसी को एक और देख लेते हैं कि हमारा इन्फीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट बन गया। ओके, यहाँ पर हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट बन गया। ओके, इसको देखिए हम आपको थोड़ा डायग्राम से समझाते हैं ताकि आपको और अच्छा समझ में आए। ओके, देखिए अजूम कीजिए ये क्या है हमारी अल्ना, ये क्या है हमारी रेडियस। ओके, तो दिस इज अल्ना बोन, दिस इज रेडियस बोन। ओके, एंड अल्ना एंड रेडियस के नीचे वाली साइड क्या बना, यहाँ पर बना हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट दोनों के बीच। ओके, तो लाल लाल वाला क्या है, दिस इज इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। ओके, ये हो गया। उसके बाद देखिए जो हमारा इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है, ओके ऑफ कोर्स, और यहाँ पर क्या होगा हमारा रिस्ट जॉइंट, अल्ना और रेडियस यहाँ पर क्या बनाएगी, रिस्ट जॉइंट। यहाँ पर हमारी कार्पल्स बोन होगी ना, होती है ना, यहाँ पर देखिए इधर इधर रेडियस कौन सी है, यहाँ पे होती है स्केफोइड ल्यूनेट, तो यहाँ पर हमारी कार्पल्स बोन होती है ऐसे। ओके, कार्पल्स बोन होगी, तो अल्ना एंड रेडियस जो हमारी कार्पल्स बोन से जॉइंट बनाएगी वो बनाएगी रिस्ट जॉइंट, मतलब कि हरा हरा वाला क्या है, दिस इज रिस्ट जॉइंट। ओके, एंड लाल लाल वाला क्या है, लाल लाल वाला अल्ना और रेडियस के बीच में है नीचे की साइड, तो दिस इज इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट। तो मैं इसी की बात कर रहा हूँ कि जो इन्फीरियर रेडियो अल्नर जॉइंट है वो रिस्ट जॉइंट से एक आर्टिकुलेट डिस्क के थ्रू अलग अलग होता है, मतलब कि इन्फीरियर रेडियल अल्नर जॉइंट होगा लाल वाला होगा, एंड बीच में थोड़ा सफ़ेद सफ़ेद गैप है, उसके बाद क्या होगा नीचे की साइड, नीचे की साइड हरा हरा मतलब रिस्ट जॉइंट। देखिए ग्रीन वाला है रिस्ट जॉइंट,
रिस्ट जॉइंट एंड लाल लाल वाला क्या है, दिस इज इन्फीरियर रेडियल नर्व जॉइंट, लाल लाल वाला है हमारा इन्फीरियर रेडियल नर्व जॉइंट। तो इन्फीरियर रेडियल नर्व जॉइंट रिस्ट जॉइंट से एक आर्टिकुलेट डिस्क के थ्रू अलग होता है। तो वहाँ मैं यही लिख रहा हूँ वहाँ पर कि इन्फीरियर रेडियल नर्व जॉइंट हमारे रिस्ट जॉइंट से एक आर्टिकुलेट डिस्क के थ्रू अलग होता है। तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या होगी, इन दोनों के बीच में यहाँ पर होती है एक आर्टिकुलेट डिस्क प्रेजेंट, आर्टिकुलर CULAR, यहाँ पे आर लिख देना। ओके दोबारा लिखते हैं, आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट ओके। तो इन दोनों के बीच आर्टिकुलर डिस्क प्रेजेंट होती है, जो कि मैंने डायग्राम से एक्सप्लेन कर दिया था। ओके हेड के लिए दो पॉइंट बताएंगे, एंड सेकंड पॉइंट क्या होगा, हेड का सेकंड पॉइंट होगा कि हेड के एंटीरियर साइड, इसके एंटीरियर साइड अल्नर आर्टरी एंड नर्व प्रेजेंट, अल्नर आर्टरी एंड नर्व प्रेजेंट। ओके ए मतलब आर्टरी, एन मतलब नर्व। या तो ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए मैंने बोला कि आगे की साइड क्या होता है फ्लेक्जर रेटिनाकुलम, पीछे की साइड क्या होता है एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। जब आपने फ्लेक्जर रेटिनाकुलम का डायग्राम बनाया होगा तो ऑफ कोर्स वहाँ पर आपने ये देखा होगा कि अल्नर आर्टरी एंड अल्नर नर्व आपको आगे की साइड मिलेगी, कहाँ पर, मीडियल साइड। ओके मीडियल साइड फ्लेक्जर रेटिनाकुलम में। तो अगर आपको इसको ढंग से देखना है तो क्या देखें, सी फ्लेक्जर रेटिनाकुलम, ओके तो दीज आर द टू पॉइंट्स फॉर हेड ऑफ लोअर एंड ऑफ अल्ना। ओके ये हो गया, उसके बाद आते हैं स्टाइलवेट प्रोसेस पर। इसके पास इसका फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इसके देखते हैं डायरेक्शन, तो दिस इज प्रोजेक्ट, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, दिस इज प्रोजेक्ट डाउनवर्ड पोस्टीरियो मीडियल, डाउनवर्ड पोस्टीरियो मीडियल। ओके दिस इज फर्स्ट पॉइंट, एंड इसका सेकंड पॉइंट क्या होगा, दिस इज सबक्यूटेनियस, मतलब अगर आपने यहाँ पर हाथ लगाया हो, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, दिस इज स्टेरॉइड प्रोसेस। स्टेरॉइड प्रोसेस रेडियस के पास भी होता है, स्टेरॉइड प्रोसेस अल्ना के पास भी होता है, और कहाँ होता है, लोअर एंड पर। ओके ध्यान रखना, एंड सबक्यूटेनियस, तो इसके भी दो पॉइंट लिख दिए, इसके भी दो पॉइंट लिख दिए, सब CUTANEOUS, ओके सबक्यूटेनियस होता है ये हो गया। एंड स्टेरॉइड प्रोसेस से क्या अटैच होता है, इससे अटैच होता है हमारा अल्नर कोलेटरल लिगामेंट, अल्नर COLLATE अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ओके तो इससे अटैच होता है अल्नर कोलेटरल लिगामेंट। ओके ये हो गया, उसके बाद देखिए वही हेड एंड बिटवीन हेड एंड स्टेरॉइड प्रोसेस, इस पर हम यहाँ पर आपको एक चीज बताएंगे, क्या वो बताएंगे हम, वो रिलेटेड है, दिस इज एक्सटेंसर रेटिनाकुलम। ओके देखिए हमने रेडियस में बताई थी आपको कि आगे की साइड क्या होता है फ्लेक्जर रेटिनाकुलम, पीछे की साइड क्या होता है एक्सटेंशन रेटिनाकुलम। एंड अगर आपने एक्सटेंशन रेटिनाकुलम ढंग से पढ़ा हो तो आपने वहाँ पढ़ा होगा, वहाँ पर सिक्स ग्रूव होती है, सिक्स ग्रूव होती है, जिसमें से चार ग्रूव होती है किसके पास, चार ग्रूव होती है रेडियस के पास, वन ग्रूव होती है रेडियस अल्ना के बीच, एंड वन ग्रूव होती है अल्ना के पास पीछे की साइड। ओके एक्सटेंशन मतलब, एक्सटेंशन मतलब मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, तो ऑफ कोर्स रेडियस के पीछे ही होगी, अल्ना के पीछे ही होगी। तो देखिए इसकी मैं बात यहाँ पर आप कर देता हूँ, यहाँ पर देखिए मैंने बोला, मैं बता रहा अभी, मैं जो भी बोलूँगा वो बोलूँगा पूरा का पूरा एक्सटेंशन रेटिनाकुलम ऑफ हैंड। ओके तो देखिए एक्सटेंशन रेटिनाकुलम में आपको टोटल सिक्स ग्रूव्स मिलती है या सिक्स कंपार्टमेंट मिलते हैं, तो मैं वही लिख रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ओके ये सिक्स कंपार्टमेंट मिलते हैं, सिक्स में मिला 1, 2, 4, ये कहाँ होंगे, रेडियस पर सिक्स कंपार्टमेंट मिलेंगे, तो ऑफकोर्स सिक्स ग्रूव भी मिलनी चाहिए क्योंकि ग्रूव से कंपार्टमेंट बनेंगे। ओके तो जो सिक्स ग्रूव होती है, मतलब सिक्स कंपार्टमेंट के लिए छः कंपार्टमेंट होते हैं और छः ग्रूव होती है, ये समझ लीजिए छः कंपार्टमेंट छः ग्रूव। तो जो स्टार्टिंग की फोर ग्रूव होती है, देखिए ये है, मैं ये बात कर रहा हूँ रेडियस वाले साइड। ओके तो जो 1, 2, 4 स्टार्टिंग की चार ग्रू होती है, ये होती है रेडियस के पास, मतलब रेडियस यानी कि इस साइड, तो रेडियस के पास पीछे की साइड चार ग्रू होती है,
हमने जब रेडियस बताया था तो आपको वहाँ बताया था। उसके बाद वन ग्रुव होती है रेडियस अल्ना के बीच, मतलब पांचवी ग्रुव कहाँ होगी, बिटवीन रेडियस अल्ना एंड सिक्स ग्रुव प्रेजेंट होती है हमारे अल्ना के पीछे की साइड, जो कि अब हम यहाँ पर बताएंगे आपको। अल्ना पर पीछे की साइड, ओके ये हो गया। एंड जो अल्ना की सिक्स ग्रुव होती है उसके जस्ट लेटर साइड आपको क्या मिलता है, सॉरी मीडियल साइड, जो अल्ना की अल्ना ये है, अल्ना की जो यहाँ पर सिक्स ग्रुव मिलेगी, तो सिक्स ग्रुव के आपके जस्ट बाहर की साइड, मतलब अंदर की साइड, सिक्स ग्रुव के जस्ट मीडियल साइड आपको क्या मिलेगा, सिक्स ग्रुव के जस्ट मीडियल साइड आपको यहाँ मिलेगा हमारा स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके तो इधर आपको जस्ट मिलेगा स्टेरॉइड प्रोसेस, एंड स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ कोर्स यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि देखिए ना इधर भी तो है ना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो इधर का जो स्टेरॉइड प्रोसेस है वो मिलता है फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुव के बीच। ओके तो इन दोनों ग्रुव के बीच आपको मिलेगा स्टेरॉइड प्रोसेस ऑफ रेडियस। ऑफ कोर्स यार ये अल्ना के पीछे से सिक्स ग्रुव है, तो ये स्टेरॉइड प्रोसेस भी किसका होगा, अल्ना का, एंड ये रेडियस वाली बात चल रही है तो यहाँ पर जो स्टेरॉइड प्रोसेस लिख रहा हूँ ये किसका होगा, रेडियस का, तो STYLOID स्टाइलोइड प्रोसेस ऑफ रेडियस, किस चीज़ के बीच है ये, फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के बीच। ओके ये हो गया। एंड फर्स्ट ग्रुप के जस्ट लेटर, मतलब फर्स्ट ग्रुप के जस्ट इधर क्या मिलेगा आपको, मैं बात कर रहा हूँ रेडियस की, तो दिस इज अल्ना दिस इज रेडियस, ये हो गया, मतलब सबसे इधर की साइड, सबसे इधर की साइड आपको मिलेगा एंटीरियर बॉर्डर। ओके यस एंटीरियर बॉर्डर, मतलब न्यू है कि जो रेडियस की फर्स्ट ग्रुव है ये प्रेजेंट होती है बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड स्टाइलोइड प्रोसेस। ओके उसके बाद आती है सेकंड ग्रुव। ओके एंड सेकंड ग्रुव किसके बीच प्रेजेंट होती है, सेकंड ग्रुव हमारे प्रेजेंट होती है दिस इज डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर एंड स्टाइलोइड प्रोसेस के बीच, तो ये सेकंड ग्रुव है, एंड सेकंड ग्रुव के जस्ट, मतलब सेकंड ग्रुव किसके बीच प्रेजेंट होगी, स्टाइलोइड प्रोसेस एंड डोर्सल ट्यूबरकल ऑफ लिस्टर, तो मैं ये लिख रहा हूँ लिस्टर ट्यूबरकल। TUBERCLE ओके ये हो गया ट्यूबरकल। ओके तो वही देखिए मैंने बोला कि हम एक्सटेंसर रेटिनाकुलम में सिक्स कंपार्टमेंट पढ़ते हैं, तो हम सिक्स कंपार्टमेंट के लिए सिक्स ग्रूव पढ़ेंगे। अब एक्सटेंसर कंपार्टमेंट यानी कि मैं पीछे की बात कर रहा हूँ, रेडियस के पीछे की, अल्ना के पीछे की, रेडियस के पीछे चार ग्रूव होती है, अल्ना के पीछे एक ग्रूव होती है, और एक ग्रूव होती है रेडियस अल्ना बोन के बीच में जिसे बोलते हैं पांचवी ग्रूव, और फर्स्ट ग्रूव दिस इज प्रेजेंट बिटवीन एंटीरियर बॉर्डर एंड स्टाइलोइड प्रोसेस, सेकंड ग्रूव प्रेजेंट बिटवीन स्टाइलोइड प्रोसेस एंड लिस्टर ट्यूबरकल, थर्ड जो सिक्स ग्रूव होती है वह प्रेजेंट होती है स्टाइलोइड प्रोसेस एंड यहाँ पर हेड के बीच, मतलब स्टाइलोइड प्रोसेस एंड हेड, स्टाइलोइड प्रोसेस एंड हेड ऑफ अल्ना के बीच, इन दोनों के बीच पीछे की साइड क्या प्रेजेंट होती है हमारी सिक्स ग्रुव। ओके तो सिक्स ग्रुव होगी स्टाइलोइड प्रोसेस एंड हेड के बीच, तो इन दोनों के बीच पीछे की साइड, क्योंकि यार एक्सटेंसर रेटिनाकुलम ऑफ कोर्स पीछे की साइड, तो मैं वही बात कर रहा हूँ पोस्टीरियर साइड यानी कि एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, इन दोनों के पोस्टीरियर साइड, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के पीछे की साइड और इन दोनों के बीच में ग्रुव फोर ECU, मतलब एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की सिक्स ग्रुव प्रेजेंट होती है EXTENSOR एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ RETI, मतलब रेटिनाकुलम, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम की सिक्स ग्रुव प्रेजेंट होती है। देखिए सिक्स ग्रुव प्रेजेंट है अल्ना के पास, अल्ना की तो बात कर रहे हैं, तो सिक्स ग्रुव प्रेजेंट, GRWV स्प्लिंग देख लेना, GRWV सिक्स ग्रुव प्रेजेंट होती है। एंड जो सिक्स ग्रुव होती है इसका कंटेंट क्या होता है, इसका कंटेंट एक टेंडन होता है और उस टेंडन का नाम है एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। तो इस सिक्स ग्रुव का कंटेंट, मतलब इस सिक्स ग्रुव के अंदर कौन सी चीज़ क्या चीज़ होती है, देखिए फर्स्ट ग्रुव के अंदर भी टेंडन्स मिलेंगे आपको, सेकंड के अंदर भी मिलेंगे, इसके सबके अंदर हर कंपार्टमेंट में जो मतलब ग्रुव बनी, ग्रुव से फिर कंपार्टमेंट बनेंगे और उन कंपार्टमेंट के अंदर आपको हमारे ऑफ कोर्स पीछे की साइड क्या होंगे एक्सटेंसर मसल्स, तो उनके टेंडन्स मिलते हैं। ओके तो अभी हमारी बात अल्ना की चल रही है यानी कि सिक्स कंपार्टमेंट की, तो हम सिक्स का ही कंटेंट की बात करेंगे। अगर आपको ढंग से पढ़ना है तो आप क्या पढ़िए, एक्सटेंसर रेटिनाकुलम, वहाँ पर मैंने आपको सब बता रखा है कि फर्स्ट में, फर्स्ट कंपार्टमेंट में क्या क्या कौन से टेंडन्स होते हैं, इसमें कौन से टेंडन्स मिलेंगे, मतलब ईच कंपार्टमेंट में कौन कौन से टेंडन मिलेंगे। तो सिक्स में मिलेगा आपको एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ऑफ कोर्स यार अल्ना की बात कर रही है तो अल्नेरिस आना चाहिए, एंड कार्पाई मतलब ये आगे जाके कहीं अटैच होती है, मतलब हैंड की, कार्पल्स या हैंड में कहीं। ओके
तो ये बात हो गई। ये बात क्या थी, ये बात इतनी सी थी कि अगर जब आप एक्सटेंशन रेटनाकुलम पढ़ेंगे, जब आप एक्सटेंशन रेटनाकुलम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप सिक्स कंपार्टमेंट पढ़ेंगे। तो जो सिक्स वाला छठवां कंपार्टमेंट होता है वो होता है अल्ना, अल्ना के लोअर एंड के पीछे की साइड। किन किन के बीच? अल्ना के लोअर एंड के पीछे पीछे की साइड, बिटवीन, इन दोनों के बिटवीन। और सिक्स ग्रुप प्रेजेंट होती है एंड उसका कंटेंट होता है हमारा एक्सटेंसर कार्पाई अल्नेरिस। ओके, ये हो गया। तो देखिए, हमने सारी की सारी बात कर ली है चार्ट की। हमारा चार्ट क्या था, ये वाला। हमने पूरे के पूरे अपर एंड की बात कर ली एंड देन उसके बाद हमने पूरे के पूरे शाफ्ट की बात कर ली। देखिए, ये पूरा का पूरा शाफ्ट वाला हो गया, सॉरी ये हो गया थ्री बॉर्डर थ्री सरफेस। एंड फिर लोअर एंड की बात हमने यहाँ पर कर ली, हेड एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस। ओके, तो हमारा पूरा का पूरा वन पेज वाला चार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, ये हो गया। इसके बाद देखिए, हमने इस वन पेज चार्ट बनाने में जो जो यहाँ पर पेपर बनाए, एक तो ये बनाया आपको, एक फिर ये बनाया एंड देन आपको एक फिर ये बनवाया मैंने, एक दिन ये बनवाया। ओके, मतलब टोटल मैंने यहाँ पर इस वन पेज के चार्ट को ड्रॉ कराने के लिए आपको यहाँ पर टोटल सिक्स पेज बताए हैं। दो, एक ये, एक ये, दो, तीन, चार, पाँच एंड छः। तो देखिए, इन छः पेज को कैसे हम वन पेज में करें इसको हम बताएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। एंड इन छः पेज को जो मैंने यहाँ पर तीन पेज के अंदर छः पेज लिखे हैं पूरे के पूरे, इस छः पेज को वन पेज में करने के बाद हम इस पूरे के पूरे वन पेज को कैसे बोन से एक्सप्लेन करें ये भी बताएंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। क्योंकि अब आपके लिए अल्ना बोन बिल्कुल टिप्स पर होने वाली है। दिस इज वन टाइम इन्वेस्टमेंट। आपने जितनी धमकी लगा ली, अब दम लगाने का टाइम नहीं है, बस अब समझने का टाइम है। ओके, और वही, एक बार अगर आपका ये वन पेज चार्ट कंप्लीट हो गया ना, देखिए मैं इतना गारंटी देके कह सकता हूँ कि आपको एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आपकी अल्ना बोन विद इन 5 to 10 मिनट कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो यार देखिए, वही 5 से 10 मिनट का करने के लिए थोड़ा दम लगानी पड़ती है, और वो दम हमने पूरी लगा दी है। मतलब वही थोड़ा टाइम लगता है वन पेज चार्ट बनाने में, लेकिन वही है कि एक बार बनने के बाद मज़े ही मज़े हैं। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इन सिक्स पेज से कैसे वन पेज करें एंड फिर इस वन पेज को कैसे हम अल्ना बोन से एक्सप्लेन करें। एंड इफ़ यू लाइक माई वर्क, जो भी मैं वीडियोज आपके लिए बनाता हूँ, अगर वो आपको अच्छी लगती है तो आप हमारे चैनल को डोनेशन दे सकते हैं। एंड फॉर डोनेशन आपको मुझसे कॉन्टैक्ट करना होगा व्हाट्सअप पर, एंड मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप लिंक दे रखा है। एंड अगर आपको TCML में कोई भी वीडियो में कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी चीज़ नहीं मिल रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो, वीडियोस की हो, नोट्स की हो, जो भी प्रॉब्लम हो, मुझे आप कमेंट में बताइए, आपकी प्रॉब्लम का एकदम बराबर आपको सॉल्यूशन मिलेगा। बाय।